इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑयल टेम्परेचर के बारे में, हाइड्रोलिक ऑयल टेम्परेचर के बारे में। हाइड्रोलिक ऑयल टेम्परेचर जो होता है हमारा, उसमें हमें एक टेम्परेचर पर, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर उसको मेंटेन करना पड़ता है, जिससे हमारा जो वेस्कोसिटी है वो हमारे जो फ्लूइड की वो विस्कोसिटी कम ना हो। अगर हमारे फ्लूइड की विस्कोसिटी कम हो जाती है तो हमारा जो हाइड्रोलिक सिस्टम है प्रॉपर वर्क करना बंद कर देता है। और एक कंडीशन ऐसा आता है जिससे हमारा जो मोल्ड क्लोजिंग या ओपनिंग है वो नहीं हो पाता। तो इसीलिए हमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमें अपने ऑयल फ्लूड ऑयल का जो हाइड्रोलिक ऑयल है उसका टेम्परेचर कंट्रोल करना। अब कितना कंट्रोल करके हम रखेंगे अपने ऑयल के टेम्परेचर को, अगर हम इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन की बात करें तो हम कितना टेम्परेचर कंट्रोल करके रखें इतना टेम्परेचर पे हमारा जो हाइड्रोलिक ऑयल है प्रॉपरली वर्क करेगा, उसकी विस्कोसिटी कम नहीं होगी, मीडियम रहेगी, जिससे हमारा वर्क जो है सही से काम करे, हमारा हाइड्रोलिक सिस्टम सही से काम करे। अगर इन द केस अगर हमारा हाइड्रोलिक ऑयल टेम्परेचर कम है तब भी हमारा हाइड्रोलिक सिस्टम नहीं काम करेगा, अगर ज़्यादा है तब भी नहीं काम करेगा, अगर ज़्यादा है तब भी नहीं काम करेगा, जिससे उसकी विस्कोसिटी कम हो जाएगी। इसीलिए हम अपने ऑयल के टेम्परेचर को एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर मेंटेन रखते हैं। उस टेम्परेचर को जानेंगे कि कैसे कितना टेम्परेचर हम मेंटेन रखते हैं। जो हमारा हाइड्रोलिक ऑयल टेम्परेचर को कंट्रोल करने की बात है तो हमारा जो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन की बात करें हम सर्वो 68 ग्रेड का ऑयल के लिए, तो सर्वो 68 ग्रेड के लिए हमें जो हाइड्रोलिक ऑयल जो टेम्परेचर कंट्रोल करके रखना है 14 डिग्री टू 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर, इतने पर हमें इतने टेम्परेचर पे हमें अब हाइड्रोलिक ऑयल को ऑयल के टेम्परेचर को कंट्रोल करके रखना है। अगर इससे ज़्यादा हमारा टेम्परेचर हो जाएगा तो हमारा हाइड्रोलिक सिस्टम काम करना बंद कर देगा। अगर हम इससे कंपेयर करेंगे तो हमारा जो हाइड्रोलिक सिस्टम है वो प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। सर्वो 68 इन द केस ऑफ इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन की अगर हम बात करें तो इसमें हम 14 टू 15 डिग्री सेंटीग्रेड अपने ऑयल के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं। इसको मेंटेन करने के लिए हम कूल्ड, मतलब जैसे टेम्परेचर अगर हमारा राइज हो रहा है तो उसमें हम कोल्ड वाटर के थ्रू सर्कुलेट करा करके उसमें हम चैनल बने होते हैं जिससे हम हॉट ऑयल सर्कुलेट करा करके ऑयल के टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। ऑयल के टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए इसलिए करते हैं कि जिससे जो हमारा ऑयल का विस्कोसिटी है ज़्यादा भी होगा तब भी हमारा हाइड्रोलिक सिस्टम नहीं काम करेगा, अगर कम भी है तब भी नहीं काम करेगा। इसीलिए एक स्पेसिफिक पॉइंट होता है जिस पे हमारा हाइड्रोलिक सिस्टम प्रॉपर वर्क करता है, इसीलिए हम उस टेम्परेचर को बनाए रखते हैं अपने मशीन में अपने ऑयल में जिससे हमारा जितना भी हाइड्रोलिक सिस्टम है सब प्रॉपर वर्क करें।